हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ राजकुमार। फ्रेंड्स, अगर बात करें आर पावर की, तो इस वक्त एक ही सवाल जहन में कि अब आर पावर में आगे क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आर पावर पे आने से पहले हम एक चीज़ को देखते हैं। जेपी पावर में भी ऐसी कुछ न्यूज़ आई थी कि ICICI बैंक ने जेपी पावर के शेयर में ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे करने वाले वैसे करने वाले, क्या ये शेयर 15 रुपये के नीचे चला जाएगा। अल्टीमेटली 24 रुपये चला गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब कोई न्यूज़ आती है और शेयर लोअर सर्किट में आया था, तो लोअर सर्किट में आप कर भी क्या सकते हैं, माल बेच तो सकते हैं नहीं, सिर्फ खरीद सकते हैं, वो आप खरीदेंगे नहीं। तीसरी चीज़, न्यूज़ न्यूज़ होती है। अगर हम किसी पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें मालूम होता है पैनी स्टॉक में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कई पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो कुछ पैनी स्टॉक हमें अच्छा रिटर्न दिलाते हैं और कुछ पैनी स्टॉक हमें रिटर्न धीरे धीरे दिलाते हैं, और कुछ पैनी स्टॉक होते हैं जो रिटर्न दिलाते ही नहीं। तो हमें इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ता है हमेशा। मैं खुद भी रेडी रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फ्रेंड्स, इस शेयर ने तो अब तक रिटर्न दिया ही है। जो भी न्यूज़ है, जैसी भी न्यूज़ है, उसके कारण ऐसा कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कुछ होने वाला है। शेयर हो सकता है डाउनफॉल चल रहा हो, डाउनफॉल आ जाए, वो डाउनफॉल आया, लेकिन एक समय के लिए हो सकता है हम इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, या इन्वेस्टमेंट करने वाला जो इन्वेस्टर वो इन्वेस्टमेंट ना करे, या जो जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हो वापस बेचकर माल निकल जाए, अगर इसमें प्रॉपर ट्रेडिंग होने लग जाए। लेकिन फ्रेंड्स, बात ये है कि अगर मान लीजिए ये शेयर प्रॉपर ट्रेडिंग के बाद में पॉजिटिविटी दिखाता है, तो फिर एक फील फिर आएगा कि यार हमने इसका सारा माल बेच दिया और ये शेयर 50-60 रुपये आ गया। तो फ्रेंड्स, दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते, हथेली पे सरसों नहीं उगती, तो वेट एंड वॉच। सेकंड थिंग, हैव पेशेंस। अगर मान लीजिए आपने लोअर लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ पे मैंने आपको बोला था, तो वहाँ तक आते आते इसमें ट्रेडिंग जरूर ओपन होगी, तो आप एट पार में निकल जाएंगे या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। मान लीजिए हमने 14-15 रुपये में लिया और 25 रुपये में इसकी प्रॉपर ट्रेडिंग रुकी, या आपने 21 रुपये में लिया तो ही 25 रुपये में इसकी प्रॉपर ट्रेडिंग शुरू हुई, तो भी आप माल बेच के निकल जाएंगे, क्योंकि शेयर इस वक्त 35 के आसपास या 33-34 के आसपास लोअर सर्किट में चल रहा है। तो जो भी आपका संशय था, मैंने आपको क्लियर किया कि क्या हो सकता है अगर आप माल बेचेंगे तो बेच के निकल सकते हैं, लिमिटेड प्रॉफिट में निकल सकते हैं, या एट पार निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत लॉस हो रहा हो तो आप निकल सकते हैं। तो ऐसा कोई हॉचपॉच नहीं शेयर मार्केट में कि भी पैनी स्टॉक में अगर आपने रिटर्न नहीं कमाया तो कोई प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़, वेट एंड वॉच का मैंने बताया, ये न्यूज़ कुछ भी हो जाती है लेकिन बाद में शेयर पॉजिटिविटी दिखाता तब आप फील करेंगे, तो आपकी स्थिति अजीब तरीके की होगी या उस तरीके की होगी यार हम शायद पेशेंस रखते हैं। मैं तो मेरी सोच के हिसाब से चलता हूँ, मेरी सोच के हिसाब से मैंने इन्वेस्टमेंट कर सका और मैं कंटिन्यू रहूँगा, चाहे मुझे लॉस हो जाए, मैं मेरी बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन यही आगे की अगर हम रणनीति की बात करें कि कोई स्टॉक नीचे चला भी जाता तो हमारे पास दूसरा स्टॉक होता है उसमें कन्वर्ट करने के लिए। सपोज़ करें कि ये स्टॉक मुझे रिटर्न नहीं दे रहा और 29 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये कहीं पर भी इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई, यानी बाय सेल प्रॉपर तरीके से होने लगा, तो मैं स्टॉक निकाल दूंगा और जेपी पावर जैसे कन्वर्ट कर लूँगा। नहीं तो 10-11 रुपये के आसपास कोई और शेयर होगा, जिसमें लीजिए इनकम फॉर्मुलेशन है 11-12 रुपये बताओ, अब 20 रुपये के आसपास अगर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, यानी अपने शेयर को बेच करके दूसरे शेयर में इन्वेस्ट करके उसमें वापस से ट्रैक, अपर ट्रैक या प्रॉफिट का ट्रैक लाने की कोशिश करूंगा और अपने वापस इन्वेस्टमेंट एक अच्छा पैसा बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे हाथ से नहीं निकली, हम जब चाहे अपना ट्रैक बदल सकते हैं। या वो छोटा शेयर ले लें हम, जैसे सपोज़ करिए विकास लाइफ केयर हो गया, FCS सॉफ्टवेयर हो गया, या आपका GVK पावर हो गया। तो फ्रेंड्स, और भी कई शेयर्स हैं जो Below Rs. 10 है, Below Rs. 5 है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए शालीमार प्रोडक्शन 1 रुपये का शेयर है, या 1-1 रुपये के और भी कई शेयर है, किसी में भी आप अपना वो पैसा डाल दें, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 शेयर लेके पटक दे जितना पैसा आपको मिले, और वो शेयर 5 रुपये पहुँचे तो आपको उतना अच्छा रिटर्न देंगे जितना कि आप उसमें भी कमाने की सोचे तो आप उसमें भी कमा लेंगे, यानी कि टर्नआउट कर सकते हैं। तो गेम खेलना सीखिए, गेम को छोड़ करके भागना नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छा अच्छा प्लेयर भी 0 पे आउट हो जाता है, आप समझ रहे हैं, इनिंग्स खेलने आता है, लेकिन कई कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे प्लेयर भी 0 पे आउट हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई दुनिया रुक गई है या पैसा हम कमा नहीं सकते हैं या हम आगे की इनिंग्स को चला नहीं सकते हैं या हमारे साथ हमेशा ऐसा होता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो भी बात थी मैंने आपको बताई, आप समझने की कोशिश करें, न्यूज़ न्यूज़ है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग ना चले, न्यूज़ अलग चीज़ है और कंपनी अलग चीज़ है। तो कंपनी में ऐसा क्या होगा ये समय ही बताएगा, लेकिन अगर हमने कंपनी की प्रोडक्शन, कंपनी की प्रोडक्ट, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की वर्किंग फंडामेंटल्स, इन चीज़ों लेकर के इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें उस हिसाब से देखना होगा। और बाकी न्यूज़ तो न्यूज़ है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। अगर आपको लगता है संशय है तो आप निकल जाइएगा, अगर आपको संशय नहीं है तो बने रहिएगा, और अगर आप में लॉस झेलने की ताकत है तो भी आप बने रहिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम लॉस नहीं ले सकते तो मैंने आपको ट्रैक बता ही दिया आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, बन रही है, चलो मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।